नमस्कार, जेकेसी के लाइव सेगमेंट पे आप सबका स्वागत है। मैं हूँ शांत। आज हम पहुँचे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के सामने। वहाँ पे आज जेकेपी की ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक जो नाका है वो लगाया गया है, जिसमें इन लोगों का जो खास ध्यान था वो था स्टूडेंट पे, क्योंकि स्टूडेंट की तरफ से काफ़ी सारी कंप्लेनें थी जो आ रही थी कि उनसे ज़्यादा किराया जो है वो लिया जाता है। आज इसी मुहिम के चलते, आज इसी चीज़ को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो नाका है वो लगाया गया है, जिसमें आ रही बसों में, गाड़ियों में जो छात्र छात्राएं बैठी हैं उनसे जब पूछकर पता किया गया कि कहीं उनमें जो किराया है वो ज़्यादा तो नहीं लिया जा रहा, क्या उनको कोई कंडक्टर या बस में कोई हरासमेंट तो जो नहीं की जा रही है। इसी के चलते आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा डिग्री कॉलेज के पास एक नाका जो है वो लगाया गया। आप देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस कठुआ द्वारा जो गाड़ी है वो रोकी गई, उसमें बच्चों से जो है कि पूछ रहे हैं कि कहीं उनसे जो किराया तो है ज़्यादा नहीं लिया जा रहा। इसी चीज़ की पड़ताल के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है आज सक्रिय हुई है। अब देख रहे हैं कि किस तरह जेकेपी ट्रैफिक पुलिस जो है वो सक्रिय हुई है कि कहीं बच्चों से जो ज़्यादा किराया वगैरह है जो बसों के द्वारा या मेटाडोरों के द्वारा वो ना लिया जाए, क्योंकि पहले भी ट्रैफिक पुलिस को बच्चों के द्वारा काफ़ी सारे कंप्लेनें जो हैं वो की गई हैं कि उनसे ड्राइवरों द्वारा व कंडक्टरों द्वारा ज़्यादा किराया जो है वो लिया जाता है। इसी जो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए जेकेपी आज पूरी तरह से सक्रिय हुई है, जो है सक्रिय हुई है कि उनसे जो ज़्यादा किराया जो है नहीं लिया गया। आपको बताते चलें कि इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस है उनको भी जो कैमरे हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं, ताकि उनके सामने अगर जिसका वो चलान करता है कोई अभद्र भाषा का प्रयोग जो है वो ना कर सके, कोई भी जो ड्राइवर है या कोई और है वो उनके साथ अभद्र व्यवहार जो है वो ना किया जा सके, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस को भी कैमरे जो हैं वो दे दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जेकेपी ट्रैफिक पुलिस इस वक्त पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें जेकेसी के लाइव।